हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस नाश्ते की रेसिपी, जिसे मैंने यहाँ पर एक कच्चे आलू और एक कप सूजी से बनाकर तैयार किया है, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में। और देखिए, यहाँ से हमारा पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक कप सूजी से और एक कच्चे आलू से पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए देखने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर मैंने एक खाली बाउल ले लिया है। इस कांच के बाउल की जगह आप यहाँ पर स्टील का कोई बर्तन भी ले सकते हो। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर 1 कप सूजी और 2 कप हमने यहाँ पर पानी को ऐड किया है। तो देखिए, पानी आपको एकदम ऐड नहीं करना है। मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह का आपको कोई करछी या कोई चम्मच आपको ले लेना है। उससे क्या करना है, आपको यहाँ से सूजी को फेंट लेना है। तो पानी आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से सारा पानी इसके अंदर ऐड मत करना। तो यहाँ से देखिए, इस तरह से आपको इसका बैटर बना लेना है। तो आप देखिए, यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे ढक देंगे। और ढकने के बाद आपको इसे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल अलग रख देना है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट होंगे, उसके बाद में हम देखिए यहाँ पर दिखाएंगे आपको। तो देखिए, इस तरह से मुझे हो चुके हैं यहाँ पर 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर ये जो हमारा सूजी है, देखिए अच्छी तरह से फूल चुका है। अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ पानी और सूजी का ही हमने यहाँ पर बैटर बनाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर हम यहाँ पर थोड़ा सा तीखा रखेंगे, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा रखा है मिर्च को। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर नमक को ऐड कर दिया अपने स्वाद अनुसार। नमक को भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा गर्म मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे, इससे क्या होगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम तीनों चीजों को यहाँ से मिक्स करेंगे। तो देखिए, अब आप देख सकते हो यहाँ से जो हमने बैटर बनाया है वो थोड़ा टाइट हो चुका है। तो अभी पानी आपको नहीं ऐड करना है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर एक आलू को लिया था, तो आलू हमने ग्राइंड कर लिया था। तो देखिए, आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हो, कद्दूकस भी कर सकते हो, जैसा भी आपको पसंद हो उसी तरह से आप इसके लच्छे बना सकते हो। तो यहाँ से मैंने बिल्कुल बारीक इसके लच्छे बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बैटर के अंदर आपको इसे इस तरह से मिक्स करके दिखाते हैं। तो इस सारे बैटर को आपको इसके अंदर मिक्स कर देना है, जो हमारा कच्चा आलू है। तो यहाँ से देखिए, इस तरह से आप सभी को यहाँ से इस तरह से इसमें ऐड कर देना। आलू और सूजी का आपको एक बैटर बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमारा दोनों चीज मिक्स हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, इसमें पानी थोड़ा सा ऐड हो चुका है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसमें बिल्कुल मत घबराना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब हमने इनो को ऐड कर दिया है। इनो आपको इसमें जरूर ऐड करना है। तो देखिए, इस तरह से इस बैटर को बनने के बाद में आपको इसमें इनो को ऐड कर देना है। तो यहाँ से हमने इनो को ऐड कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से जो हमने हरी मिर्च और प्याज को कट करा था, उसे आपको इसके अंदर ऐड कर देना है यहाँ से। तो दोनों चीजों को हम यहाँ से ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद में आपको इन्हें भी इसी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए, ये जो पानी है, इससे भी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके नाश्ते में। तो हम यहाँ से इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे रेस्ट के लिए रखना है। तो यहाँ से मैं इसे ढक के रख दूंगी 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट बाद अब आप देख सकते हो यहाँ से इसका पानी बिल्कुल अलग हट चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका पेस्ट अभी नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा और फेंटेंगे, यहाँ से अच्छी तरह से सूजी आपकी फूल जाएगी। मेरी सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसे रखूंगी साइड में, और अब हम चलते हैं पैन की तरफ। तो पैन में हमने यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल को ऐड कर दिया है। और यहाँ से देखिए, आपको पैन में इसे घुमा लेना है ऑयल को। इससे क्या होगा कि जो आपका ये नाश्ता है वो इसके अंदर आपको बैटर बनाना है, तो वो चिपकेगा नहीं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, सभी बैटर को इसके अंदर आपको डाल देना है। तो यहाँ से देखिए, बिल्कुल आपको इस तरह से ही फैलाना है। इससे क्या होगा, ये जल्दी अच्छी तरह से पक जाएगा। तो हम सभी बैटर को यहाँ से इस तरह से फैला लेंगे, जैसा आप चीला बनाते हो उसी आकार में आपको इसे फैला देना है। बिल्कुल ऑमलेट के जैसा आपको ये दिखने में लग रहा है, और ऑमलेट के जैसा ही आपका ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इसे इस तरह से भी बना सकते हो, कोई भी शेप में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। लेकिन मुझे इस तरह से नहीं बनाना है आज का नाश्ता, बिल्कुल अलग बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से इस तरह से अब इसे चलाएंगे। और देखिए, चलाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो हमारा बैटर है, ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है बैटर। तो
तो आपको देखिए इसी तरह से इसकी फिलिंग बना लेनी है। तो यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा कच्चा है, अभी थोड़ा इसमें और लगाएंगे थोड़ा सा भाप, तो इससे क्या होगा, अच्छी तरह से जो हमारा आलू का लच्छा था वो अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाएगा। तो यहाँ से इसे इस तरह से आपको हला ढुलाना है ताकि पैन के अंदर ना चिपके नीचे, इस तरह से आपको इसे चलाना है। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से इसे, जिस तरह से आप मावा बनाते हो उसी तरह से आप यहाँ पर इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ से बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं प्लेट में निकाल चुकी हूँ इसे, और यहाँ पर देखिए मैं इसे इसके अंदर कर दूंगी यहाँ पर ट्रांसफर। तो ये हल्का सा अभी गर्म है, आपको इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है। तो देखिए यहाँ से ठंडा हो चुका है, 5 मिनट के लिए मैंने इसे ठंडा किया था। उसके बाद में आपको इसमें आधा कप कॉर्नफ्लावर को ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लावर से क्या होगा, आपका जो ये नाश्ता है ये बनने के बाद जब आप इसे फ्राई करोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फूटेगा। तो इसे कॉर्नफ्लावर गिरना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप कॉर्नफ्लावर की जगह थोड़ा सा बेसन डालना चाहते हो तो बेसन भी आप डाल सकते हो, लेकिन आपको बेसन भी ज्यादा नहीं ऐड करना है इसके अंदर, सिर्फ 1 या 1.5 चम्मच के करीब आपको बेसन को रखना है। तो यहाँ से आपको इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इसको, जो हमने कॉर्नफ्लावर डाला था आधा कप। तो यहाँ से हमने सभी चीजों को मिक्स कर देना है, यहाँ पर सभी चीज हमारी मिक्स हो जाएंगी इसके अंदर। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमने जो मसाले ऐड किए थे वो, और यहाँ पर कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से आपको इस तरह से हाथों से दबाना है। दबाने के बाद में क्या होगा, इस तरह से डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएगा इसका डो। और अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हमने बिल्कुल ठंडा कर लिया है अपना ये डो। तो अब आप देख सकते हैं इसे क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से फेंटना है हाथों से, आप हल्का सा दबाते हुए, ऑयल आपको जरूर लगाना है हाथों पे। और आपको क्या करना है, इसे घुमाना है जैसे आप रोटियों के लिए लोई बनाते हो या पेड़े बनाते हो उस तरह से। आपको देखिए इस तरह से इसे अच्छी तरह से फेंटना है, इसे क्या होगा ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा आपका डो। और देखिए अब मैं इसे रखती हूँ साइड में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चॉपर बोर्ड पर हमने इसे यहाँ पर डालना है। और चॉपर बोर्ड पर देखिए आपको बिल्कुल भी सूखा मैदा नहीं लगाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 चम्मच के करीब ऑयल लेंगे और उसे क्या करेंगे, यहाँ से सभी ऑयल को आपको यहाँ से फैला लेना है चॉपर बोर्ड पे। तो यहाँ से मैं चॉपर बोर्ड पे ऑयल को फैला लूंगी। उसके बाद में आपको ये जो हमने डो बनाया था नाश्ते का, इसका आपको इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर से आपको इस तरह से इसे रख देना है। आप मोटा या पतला इसे बनाना चाहते हो वो आपके अकॉर्डिंग है। आप देखिए यहाँ पर मैं इसे कैसे बना रही हूँ, तो मैंने इसे बहुत बारीक रखा है। बारीक रखने से क्या होगा, ये जो आपका नाश्ता है बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो देखिए अगर आप लोग बिना फ्राई से खाते हो तो आपको क्या करना है, आप इसे थोड़ा सा मोटा बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं इसे इस तरह से फैला लूँगी, और फैलाने के बाद मैंने इसमें 4 कोने बना दिए हैं। तो आप हमारा ये जो डो है ये बिल्कुल इकसार हो चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पर इसी तरह से आपको डो चाहिए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। तो मैंने इसको डो को लगा कर और इसे फैला दिया है चॉपर बोर्ड पे। अब हम देखिए यहाँ पर लेंगे चाकू। तो इस तरह से आपको चाकू से इसे ले लेना है चाकू को, और इसे इस तरह से आपको कट करना है यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे 3 भागों में कट करूँगी। अगर आपको लग रहा है कोई सा सिरा बड़ा है तो वहाँ से आप उतार सकते हैं। देखिए मैं इधर से इस तरह से कटिंग कर लूँगी, और यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारा एक जो साइड है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, आपको यहाँ से इस तरह से कट देना है, और उसके बाद में आप इसको बाद में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं इसमें कट लगाती हूँ, और कट इस तरह से आपको लगाना है जिस तरह से आप सैंडविच बनाते हो। तो आपने देखिए ब्रेड के सैंडविच बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, जिसे मैंने कच्चे आलू और 1 कप सूजी से बनाकर तैयार किया है। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगता है ये नाश्ता। तो मुझे उम्मीद है आज की आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स चलो अब चलते हैं पैन की तरफ। पैन हमारा गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने यहाँ पर नाश्ते को बनाकर तैयार किया था। तो सभी को आपको इसके अंदर ऐड कर देना है, और आपको इसे 2 मिनट तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर हम सभी नाश्ते को इस तरह से इसके अंदर फ्राई करेंगे। तो आप देख लेना है आपको जितना आपका नाश्ता पैन के अंदर आता है उतना ही आप इसके अंदर ऐड करना। तो यहाँ से मैं इस तरह से इसे हाथ से ही घुमाऊंगी, और घुमाने के बाद में मैं यहाँ पर इसे भी
इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसी तरह से अपने घर पर बहुत ही झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल न्यू नाश्ता है। अब देखिए यहाँ पर इसे इस तरह से आपको हटा देना है। तो यहाँ से मैं इसे हटा लूंगी, तो आपको देख लेना है, पहले चेक कर लेना है आपको आपका ये नाश्ता बना है या नहीं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से देखिए चेक करती हूँ, और ये देखिए बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे पलट देंगे। सभी नाश्ते को आपको इस तरह से पलट देना है, और सबसे अच्छी बात इस नाश्ते में ये है कि ये ज्यादा ऑयल में यहाँ पर नहीं बनता है, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार जरूर ट्राई करना अपने घर पर। तो यहाँ से हम सभी नाश्ते को पलट लेंगे, और पलटने के बाद सभी को अच्छी तरह से यहाँ से फ्राई करेंगे। तो मेरा नाश्ता यहाँ से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हो दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नाश्ते को निकाल लेते हैं। तो देखिए, आपको इसे बिना ऑयली बनाना है, तो आपको इसका ऑयल बिल्कुल निकाल देना है। तो यहाँ से मैं सभी नाश्ते को इसके अंदर निकाल लूंगी। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता निकल कर तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी का बचा है उसे भी आपको इस तरह से ही ऐड करना है, जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया था। तो यहाँ से आपको उस नाश्ते को भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने नाश्ते को पैन के अंदर फैला दिया है, देखिए। तो इससे क्या होगा, ये जो नाश्ता है अच्छी तरह से धीमी धीमी गैस पे इंडेक्स पर अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपके मेहमानों के लिए बनाते हो तो मेहमान भी पूछेंगे कैसे बनाया था आपने इस नाश्ते को। कोई कह नहीं सकता कि हमने इसे कच्चे आलू और 1 कप सूजी से बनाकर तैयार किया है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सभी हमारे नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो मैंने आप लोगों को दिखाया है, देख सकते हो आप कि फ्रेंड्स कैसा बनाया है मैंने। तो इसी तरह से आप भी अपने घर पर बहुत ही आसानी से झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ, तब आप देख सकते हैं अंदर से भी कितना अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है ये नाश्ता। तो आप भी अपने घर पर जरूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना।